फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो मैं बना रही हूँ व्लॉग, वो मैं बना रही हूँ, मैं जयपुर जा रही हूँ आज अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर्स के साथ, और उसके लिए मैंने जो तैयारी कर रही हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जर्नी कैसी रही, कैसा हम लोगों का आना जाना रहा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेलो गाइस, मैं माहिरा हसन आप सभी को बहुत दिल और दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत के साथ होंगे। तो ये मेरा मैजिक बैग है, इसको नाम मैंने मैजिक दिया है क्योंकि इसमें सारी एक्साइटेड चीज़ें मैं रखती हूँ। तो मैंने रास्ते के लिए बटर ब्रेड और टिश्यू पेपर साइड में रखे, और आलू की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई, और नमक और अचार रखा, और ये कुछ चटर पटर है जो मैंने इसके अंदर रखा है ताकि रास्ते में हमें कहीं जगह जगह पे रुकना ना पड़े, सीधे जाएं खैरियत से और खैरियत से अपने घर में आ जाएं। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर में, और मुझे वहाँ पे मेरी फैमिली को मुझे कुछ काम था, तो इसलिए हम लोगों ने सुबह 4:30 बजे के करीब कैब आई और उसमें हम लोग बैठ गए। अजमेर शरीफ जाना आना रहता है तो हम लोगों को पता भी है, और कोई ऐसी डर की बात भी नहीं है, हम लोग आते जाते रहते ही हैं। तो बस एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं अपनी फ्रेंड को जानती हूँ, मेरी फेसबुक पे फ्रेंड है, लेकिन कभी सामने से मुलाकात नहीं हुई, कभी हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, जयपुर जाना था तो सोचा कि उनसे भी मुलाकात करनी बहुत ज़रूरी है। पर सॉरी गाइस, मैं उनका घर और उनके जो फैमिली के लोग हैं तो वो मैं वीडियो शेयर नहीं करना कर पाऊँगी, क्योंकि बिना किसी की इजाज़त लिए किसी के घर का व्लॉग बनाना और जिन्हें पता भी ना हो तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है मैंने उन्हें कभी बताया नहीं है कि मैं भी व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अपने फ्रेंडों को जैसे फोर्स करना, देखो मेरा वीडियो, ये भी देखो, और एक एक जो है वीडियोस मैंने बनाया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल सब लोग इतने बिज़ी रहते हैं, किसी के पास टाइम है या नहीं है और मैं किसी को दबाव डालूं, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। तो खैर, रास्ता बहुत सुबह होने लगी थी और बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम मूड भी बहुत फ्रेश था, दिल में काफ़ी सारे ख्यालात थे कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और कैसे होंगे लोग, क्या होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग फ़ोन पे बात करते रहे हैं, और वैसे तो मेरे से एज में छोटी हैं, लेकिन मेरे बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, पर जो भी होते हैं बहुत दिल के करीब होते हैं। तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया, 4:30 बजे, फिर फजर का टाइम हो गया, धीरे धीरे दिन की शुरुआत हो गई, मौसम इतना अच्छा हो रहा था। तो रास्ते में हम इस होटल में रुके और इतना अच्छा, इतना साफ़ सुथरा, इतना सुकून का था, तो भूख भी लगने लगी थी, हम लोग उतरे और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये नाश्ते में हम लोगों ने मंगाया पूरी सब्ज़ी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, ये साइड में हलवा और ब्रेड बटर, चाय, नमकीन, ये तो मैंने आपको बताया कि ब्रेड बटर रख लिया था, क्योंकि रास्ते का पता नहीं होता कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी भी या नहीं, तो इसलिए पूरी सब्ज़ी मंगाई। सब्ज़ी में नमक काफ़ी कम था तो मेरे हम लोगों के टेस्ट के हिसाब की नहीं थी, पर पूरी और हलवा बहुत अच्छा था। तो ये मैं फ़र्स्ट बाइट अपने सभी सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, ये सब उनके लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए और इन्जॉय कर लीजिए। ये कमी मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी आपका भी जाना हो तो आपको ध्यान रहेगा, सब्ज़ी में नमक मिर्च काफ़ी कम थी।
तो फिर हम लोग उनके घर पहुंच गए थे, बहुत मज़ा आया और बहुत हम लोगों ने बातें की। पूरी उनके जो हैं फैमिली के लोग सब बहुत अच्छे थे, मम्मी पापा और दादा दादी सब बच्चों से सबसे बहुत अच्छा लगा। मिलने के बाद हम लोगों को निकलना था, तो थोड़ा सा बाज़ार आए वहाँ की जो बड़ी चौपड़ है, तो वहाँ जाके छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी। और वो लोग रोक रहे थे, पूछ रहे थे कि आप लोग कैसे जाओगे, क्या जाओगे। तो हमें मार्केट जाके मेरे कज़न को आना था और फिर उनसे थोड़ा सा मिल के फिर कैब बुक करा कर हम लोग एक ही दिन में रिटर्न वापस होना था। तो ज्वेलरी ठीक ठीक थी, लुक ज़्यादातर राजस्थान के ही थे, जयपुर के डिज़ाइन थे, लुक थे, तो ठीक लगे मुझे। और ये चूड़ियाँ जो मुझे पसंद आया एक सेट वो लिया, और एक नेकलेस का जो एक सेट था मेटल का वो मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो बाज़ार की जो इतनी दुकानें होती हैं, एक ऐसा मतलब इतनी लाइट और इतनी चमक होती है कि मुझे थोड़ा सा ना चक्कर आने लगता है। इतनी वैरायटियां देख के इंसान ये सोचता है क्या लें क्या ना लें, कैसा क्या मतलब क्या लेंगे नहीं। तो ये रहा गाइस वो नेकलेस, और ये मैंने लिया, कुछ नया लुक लगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, कुल्फ़ी भंडार और ये सब यहाँ खड़े हो गए। पर गाइस यहाँ इतनी भीड़ थी कि रुकना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने नहीं खाया, हम एक दही बड़े वाली एक शॉप थी वहाँ गए, तो बहुत अच्छे ठंडे ठंडे दही बड़े थे। मुझे दही भल्ले कहते हैं इसे, दही बड़े मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ शायद दही भल्ले कहते हैं, हाँ दही भल्ले ही होंगे ये। ये बहुत अच्छे थे, इनको बाइट करना इसलिए मुश्किल हो रहा था मेरे लिए क्योंकि मोबाइल पे भी एक फोकस था और इसको भी काट के मुझे उठाना था, तो किसी तरह जैसे मैंने खा लिया और मुझे अच्छे लगे, ये मुझे अच्छे लगे, कोई कमी नहीं लगी। और थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने टेस्ट किया, हम लोग बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग नहीं हैं, बस हम लोग मोहब्बत के भूखे हैं अगर कहा जाए तो। जो हम लोगों से मोहब्बत करते हैं हम लोग भी उनसे करते हैं। तो एक यहाँ वहाँ प्याज की कचौरी और आलू की कचौरी और चटनी थी, दो तरीके की पकोड़े थे। कचौरी तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, उसकी मैं कोई वो नहीं कहूँगी, मगर चटनी में सॉस में नमक बहुत तेज़ था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था। तो खाने के बाद फिर मैंने पकोड़े लेने की सोची, मगर इतना टाइम नहीं था तो वो मैंने छोड़ दिए, पर कचौरी बहुत अच्छी थी। तो वहाँ का ये बैग जो था राजस्थान का, ये बहुत अच्छा लगा, पर्स की तरह। और हर कोई हर शॉप पे जाके हर कोई ये कहता ये ले लो आप, वो ले लो, ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, मगर ये होता है ना जो चीज़ आपके उसमें लिखी होती है नसीब में, आप वही उठाते हो और वही पसंद करते हो और वही ख़रीदते हो। तो ये पर्स ख़रीदा, एक वॉलेट भी ख़रीदा, और हम लोगों ने प्यास लगने लगी तो ये बड़ा अच्छा शानदार सा गन्ने का जूस, बहुत अच्छा था, ग्रीन ग्रीन ठंडा ठंडा बहुत अच्छा, वो पिया। और ये दूल्हा दुल्हन का ये जो टॉयस था, ये जो था ये बना हुआ मिट्टी का, इसको राजस्थानी लुक दिया गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो इसका भी मैंने वीडियो बना लिया थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये ग्रीन ग्रीन ठंडा ठंडा इतना अच्छा गन्ने का जूस पिया, शाम हो गई थी चलते चलते। फिर गोलगप्पे खाने तो बहुत ही ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये सोचा था गोलगप्पे खाने हैं। वो खाने के बाद हम लोगों ने कैब में बैठकर और फिर हम रुके रात का डिनर करने के लिए, और डिनर बहुत अच्छा था, मखनी दाल बहुत अच्छी लजीज थी, कोई कमी नहीं थी। तो मैंने ये ऑर्डर किया और बटर नान और प्लेन नान ऑर्डर करे। तो मैंने बीबी से यही कहा कि वो चीज़ मंगाएंगे जो हम खा सकें, इतनी सारी चीज़ें नहीं जो इंसान से खाई भी ना जाए। तो हमने बड़े अच्छे से सुकून से ये खाया और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, एक ही दिन में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरे कज़न ने कहा नहीं घर चलो घर चलो, पर हम लोगों ने सोच लिया था सुबह भी निकलना ही है तो क्यों ना अभी निकल जाते हैं। तो आजकल तो लोकेशन
अपनी फैमिली में जानकारों में आप अगर भेज देते हैं तो कोई डर की बात नहीं है। इंसान मुझे लगता है एक्टिव होना चाहिए तो वो कहीं भी जा सकता है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स, जी हाँ याद है ना आपको, जी हाँ वो ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। और ज़ायका बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस था, इसमें तो कोई कमी नहीं थी इस वाले खाने में। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी, यहाँ व्लॉग का एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।